हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के इस डिवाइस की कैमरा सेटिंग्स के बारे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस डिवाइस की कैमरा सेटिंग्स किस तरीके से आप यहाँ पर अपने फ़ोन में स्लोमो वीडियो बना पाएंगे, या फिर पैनो से किस तरीके से फ़ोटो ले पाएंगे, या फिर यहाँ पर वॉइस से फ़ोटो कैसे लेना है। बहुत सारी सेटिंग्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कैमरा ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आप सिंपली इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, अगर आप नाइट के समय फ़ोटो को लेते हैं तो यहाँ पर आपकी पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आ जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसमें वाइड एंगल मिल जाता है और इस तरीके से आप यहाँ पर जूम भी कर सकते हैं। इस फ़ोन में यहाँ पर आप 10x जूम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वन पे कर देते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर अगर आप किसी भी मॉडल का फ़ोटो लेते हैं उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर बैक पीछे का सारा कुछ यहाँ पर ब्लर हो जाता है, यहाँ पर इस तरीके से फोकस हो जाता है। ओके, बट यहाँ पर अभी फ़ोटो शूट हो रहा है क्योंकि कहीं भी क्लिक करने से फ़ोटो शूट हो जाता है, वो मैंने यहाँ पर सेटिंग्स में ऑन करके रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर फ़ोटो सिंपल ले सकते हैं। वीडियो पे जाते हैं तो यहाँ से वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में आप यहाँ पर ब्यूटी का ऑप्शन ऑन कर पाएंगे। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं आप। वीडियो में कोई भी फिल्टर अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से वीडियो में भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, माइक्रो मूवी मिल जाती है तो यहाँ से आप मूवी स्टाइल यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, ये डाउनलोड भी करने पड़ेंगे आपको इधर वाले। ओके, इसमें बनानी है तो इस तरीके से आप डेली ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर डेली ब्लॉग आ जाता है और आपकी ये वीडियो बनने लगती है। ओके, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके, इस तरीके से सेव कर देंगे। इस तरीके से जब सेव नहीं करेंगे हम तब भी यहाँ से, या फिर आप यहाँ पर साउंड वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो साउंड भी लगा सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सिट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर आपको मिलता है मोर का ऑप्शन। इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे हाई रेजोल्यूशन मिल जाता है। हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटो ले सकते हैं, पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया बढ़िया हो जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पैनो का ऑप्शन मिल जाता है। तो पैनो से क्या होता है, पूरे ग्रुप का फ़ोटो लेना चाहें वो यहाँ पर आपका आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से क्लिक किया है और इस तरीके से, इस तरीके से, और ये क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक का पूरा फोटो आ जाता है। देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ोटो आ चुका है। तो इस तरीके से पैनल से आप फ़ोटो ले सकते हैं, पूरे ग्रुप का फ़ोटो ले सकते हैं, ऐसे घुमाकर पूरा फ़ोटो ले सकते हैं। एक बार और दिखा देते हैं यहाँ पर आपको, इस तरीके से लिए मैंने और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा फ़ोटो आ चुका है यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैनों का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर माइक्रो पर जाते हैं और यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है। स्लो मोशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसे हिला देते हैं तो यहाँ पर आपकी वीडियो स्लो मोशन वीडियो बन जाती है। इसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर इस पेन को हिलाया था, देख रहे हैं आप कितनी स्लो यहाँ पर ये चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो बना पाएंगे और इस वीडियो को एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मोर पे जाते हैं, टाइम लैप्स मिल जाता है, टाइम लैप्स के हिसाब से आप ले सकते हैं। प्रो के ऑप्शन मिल जाता है, प्रो से काफ़ी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं अपनी पिक्चर की। जैसे DSLR वाले कुछ ऑप्शन होते हैं आपको यहाँ पर वो मिल जाते हैं, अगर आप यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर डबल एक्सपोजर मिल जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कोई डबल एक्सप्लोर इस तरीके से हो जाता है, जो भी आप लगाना चाहें, इसे लगाना चाहें तो इसे यहाँ से लगाना चाहें, इस तरीके से। प्लस के आइकन पे जाएंगे तो और भी बहुत सारे आपके डाउनलोड होंगे तो वो मिल जाते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं मोर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर मिल जाता है डुअल व्यू। इस पर क्लिक करना है आपको तो क्या होता है, यहाँ पर आपके फ्रंट कैमरे की वीडियो भी ऑन हो जाती है। यहाँ पर मेरे फ्रंट कैमरे की वीडियो ऑन है, ये बैक कैमरे की। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से डबल वीडियो एक साथ आप बना पाएंगे। यहाँ सर्कल में करना चाहें तो सर्कल में कर सकते हैं, हार्ड में करना चाहें तो हार्ड में कर सकते हैं अपनी वीडियो को।
इस तरीके से यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बड़ी वीडियो आ जाएगी, पीछे की छोटी आ जाएगी। यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो आपकी छोटी वीडियो आ जाएगी फ्रंट कैमरे की, और ये वाली बड़ी वीडियो आ जाती है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, अगर डबल वीडियो आप बनाना चाहें तो आप ओके। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लाइव फ़ोटो पे जाएंगे तो लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर आपका लोकेशन वगैरह पूरा सेट हो जाता है इस फ़ोटो पर ओके। यहाँ पर जो भी होता है लोकेशन वगैरह पूरा सेट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना क्या है, बैक चले जाना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेट नेटवर्क पे जाना है तो नेटवर्क ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है, कोई भी फ़ोटो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, किसी पेज को यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ से ऑफ है, ये फ्लैश लाइट का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ऑलवेज ऑन पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर और ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन रहेगी, जैसे आप कैमरा ओपन करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन ही रहेगी। और यहाँ से आप ऑटोमेटिक पर कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप रात के समय फ़ोटो शूट करते हैं या फिर अंधेरे में फ़ोटो शूट करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, और उजाले में फ़ोटो शूट करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है ओके। और यहाँ से ऑन कर देंगे तो जैसे ही फ़ोटो क्लिक करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, और इस वाले ऑलवेज ऑन पे करेंगे तो जैसे ही कैमरा ऑन करेंगे तुरंत फ्लैश लाइट ऑन रहती है ओके। HDR का ऑप्शन आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो क्या होता है, यहाँ पर ये है ऑफ और ये होगी ऑटोमेटिक ओके। तो ऑटो HDR से क्या होता है, पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाती है ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर शूटर सेटिंग्स पे जाना है। ये तीनों ऑप्शन ऑन कर देने हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर आप वॉइस से फ़ोटो ले सकते हैं, टच करके फ़ोटो ले सकते हैं, हाथ को दिखाकर फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक किया, फ़ोटो शूट हो गया। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर चीज़, तो फ़ोटो शूट हो जाता है। या फिर मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे से इस तरीके से हैंड को दिखा दूंगा, तब भी यहाँ पर फ़ोटो हमारा शूट हो जाता है ओके। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स पे जाते हैं, मोर सेटिंग्स पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं साउंड को बंद करना तो यहाँ पर इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर आपका साउंड बंद हो जाता है, जो फोटो लेते हैं कोई भी साउंड आपका नहीं आता है। और आप चाहते हैं लोकेशन यहाँ पर हमारे फ़ोटो पर आए तो यहाँ पर इसे अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर आपका लोकेशन आ जाता है, या फिर इसे ऑफ भी कर सकते हैं। कीप सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर गेम मोड वगैरह आपको मिल जाते हैं, HDR का ऑप्शन ऑन कर देना है, इससे पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है ओके। यहाँ पर आपको मिलता है आई ऑटो फोकस, तो आई ऑटो फोकस पे यहाँ पर ऑटो पे कर दें, जब भी आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लेंगे तो यहाँ पर फोकस कर लेता है आई पर। नेक्स्ट यहाँ से बैक कर देते हैं, और यहाँ पर आपके रिमूव मोल्स मिल जाते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं आप। प्रोटेट फॉर्मिंग मिल जाती है, जैसे प्रोट्रेट का ऑप्शन आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अगर वाटर मार्क ऑन करना चाहें तो यहाँ पर आप नन पे करेंगे तो वाटर मार्क नहीं आएगा, टेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पर आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं अपने डिवाइस में ओके। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।